हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर वन पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये जो आपको दिया गया है, ये आपको एक दौड़ने का पथ आपको दिया गया है ना, और जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है ना। जिसके ये जो बाएं सिरा है और ये दाएं जो सिरा ये दिख रहे हैं सर, क्या है ये अर्धवृत्ताकार दिया हुआ है। ये क्या है, अर्धवृत्त है। ये आपको अर्धवृत्त आपको क्या है, ये दिया हुआ है ना। और इसमें सर दिया है आपको समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको 60 मीटर दिया है। समांतर रेखा सर क्या होता है ना, ये जो आपको दिया हुआ है, जो ये सीधी लाइन देखा रेखाखंड जो दिया हुआ है, इसके जो बीच की दूरी ये जो आपको है यही सर 60 मीटर दिया हुआ है। तो सर ये भी 60 मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और क्या, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई। अब रेखाखंड सर क्या होता है, रेखाखंड तो सीधा होगा, रेखाखंड तो ये जो दिया हुआ कहीं सीधा होगा सर। प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना है, 106 मीटर है। तो यानी कि ये आपको 106 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 106 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। और क्या, पथ की चौड़ाई। पथ क्या हुआ सर, यही तो रास्ता हुआ। ये दिया पथ की चौड़ाई, यानी कि ये जो चौड़ाई आपको दिया हुआ है ये 10 मीटर दिया हुआ है। तो सर ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी रास्ता है, है ना। यही तो रास्ता है, चौड़ाई दिया हुआ, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये रास्ता है। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, चक्कर लगाने में चली दूरी। तो सर चक्कर लगाने में दूरी आपसे सर पूछ रहा है, तो एक चीज बताइए सर क्या होगा चक्कर। तो यहां से कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां खड़ा है ना, यहां से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां से दौड़ेंगे घूमेंगे घूम करके यहां से फिर उसी स्थान पर घूम जाएंगे, वही तो एक चक्कर हो जाएगा। तो यही सर हो जाएगा उसका एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, अर्थात एक परिधि के तो बराबर हो गया। परिधि क्या होता है सर, जिस स्थान से आप चले हैं फिर उसी स्थान पर लौट आना, वही क्या कहलाता है सर, परिधि कहलाता है। तो परिधि आपको निकालना है। तो सर ये क्या दिया हुआ है, ये तो आपको रेखाखंड दिया हुआ, कहीं एक रेखाखंड यहाँ है ना। तो क्या निकालना है सर, कि हमको ये निकालना है टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये जो रस्सी दिया हुआ है इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये दो रेखाखंड निकाल लेते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दो रेखाखंड की लंबाई प्लस क्या लिखना है सर, प्लस ये जो देखिए यहाँ एक अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त यहाँ है, तो सर यहाँ दो अर्धवृत्त से क्या आ जाएगा, कई सर एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा, है ना, एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। क्योंकि तो सर यहाँ तो क्षेत्रफल तो नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, कि सर यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ तो परिधि ही लेंगे, एरिया का तो कोई बात ही नहीं उठ रहा है यहाँ, है ना। अब दो रेखाखंड की लंबाई, तो कहीं 2 × रेखाखंड की लंबाई सर एक का क्या है, 106 है, तो 2 × 106 हो जाएगा इसकी लंबाई। और प्लस क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है सर, कहीं 2πr होता है कि नहीं भाई। अब यहाँ देखिए 6 × 12 और 2 × 1 = 212 आ जाएगा। अब प्लस 2 × π का मान कितना होता है सर, कई पाई का मान होता है 22/7 होता है सर। और आर सर कितना होगा, यहाँ आर कैसे निकालेंगे सर। तो आप एक चीज हमको जरा बताइए सर, ये अर्धवृत्त है ना, ये तो व्यास दिया हुआ है 60, ये तो व्यास है ना छोटा का, ये 60, तो व्यास अगर 60 दिया है तो सर यहाँ से छोटा त्रिज्या अगर निकालना चाहे त्रिज्या, तो क्या त्रिज्या सर 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी सर, क्या त्रिज्या 30 सेंटीमीटर मीटर में है क्या, हाँ मीटर में है सर, क्या त्रिज्या 30 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ सर त्रिज्या क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ आ जाएगा 212 प्लस क्या लिखेंगे, 22 × 44, 44 × 4 = 12 और कितना हो जाएगा सर, 4 × 12 = 13, यानी कि 1320 / कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। और यहाँ सर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सर 7 × 14, 7 × 7 = 8, 7 × 14 = 84 और प्लस 7 × 7 तो 1320 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 0, यहाँ 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, और 82 कितना आ जाएगा, 10, 437 कितना आ जाएगा, 8, और 11 कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2804 कितना आ जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा सर, ये एक चक्कर में चली गई दूरी आपका आ जाएगा, है भाई। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, क्वेश्चन जरा बताइए, समझ में आ गया। इसी का सर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखा जाए।
एट का टू क्या है सर? चलिए दोस्तों देखा जाए एट का टू, एट का टू क्या है सर? आपसे पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पथ का क्षेत्रफल सर कैसे निकालेंगे? देखिए पथ का क्षेत्रफल यानी कि यही पूछ रहा है सर, यही आपको पूछ रहा है सर, तो हम कैसे निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल? सर हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया हुआ ये आयत है एक प्रकार का, इस ये एक आयत यहाँ से और एक आयत यहाँ से है ना, तो ये दो आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर? टू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है ना, टू आयत का क्षेत्रफल में क्या ऐड करेंगे? ये जो सर दिया हुआ है दो आयत के क्षेत्रफल में क्या करना है सर? ये ऐसे आकार वाला ऐड करना है ना, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है सर, इस साइड से भी क्या दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया सर? ये इस तरह से क्या रिंग बन गया, अर्थात एक वले बन गया है ना। वले का क्षेत्रफल सर इसका अगर हम निकालना चाहे, अब देखिए सर यहाँ एरिया की बात हो रहा है, तो सर अगर बड़े हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पाई, और बड़ा वृत्त का क्या होता है त्रिज्या आर, तो आर स्क्वायर, अब मेरे से माइनस करना है सर छोटे वृत्त का, तभी तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा है भाई, तभी तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्या करेंगे पाए और छोटा का मान लेंगे छोटा आर, यानी कि आर स्क्वायर, और यहाँ से पाए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा सर? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना। तो वले का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो आपको क्या याद रखना है सर? पाए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या याद रखना है सर? पाए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर याद रखना है। तो क्या यहाँ लिखेंगे सर? कहे सर ये दो वले का आपको पथ का क्षेत्रफल यानी कि निकालना, ये जो पथ आपको दिख रहा है ये पथ, तो क्या करेंगे दो आयत का क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है आपको दो आयत का क्षेत्रफल, आप प्लस क्या करना है सर? ये वलय का क्षेत्रफल अगर प्लस कर देंगे वलय का क्षेत्रफल, तो यही तो सर निकल जाएगा पथ का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ? यहाँ लिखेंगे सर वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल है ना। तो सर यहाँ टू इंटू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू क्या होता है सर? चौड़ाई होता है, और प्लस वले का क्षेत्रफल सर अभी ही बताए थे क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस क्या होता है सर? आर स्क्वायर होता है भाई। हम यहाँ देखिए सर टू इंटू लंबाई कितना है सर? लंबाई देखिए 106 हो गया लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे 106, और इंटू चौड़ाई कितना है सर? कोई चौड़ाई कितना है 10 है ना, और प्लस पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7। अब यहाँ देखिए मामला क्या होगा, मामला यहाँ क्या है सर? मामला यहाँ त्रिज्या की है, बड़ा त्रिज्या सर कैसे निकालेंगे? तो एक चीज बताइए हमको, ये बड़ा वाला के लिए सर व्यास क्या होगा सर? यही तो व्यास होगा, यही तो व्यास होगा सर। तो कहीं ये 60 है, ये क्या है 10/70, और ये क्या है 10/80, तो बड़ा क्या होगा यहाँ से सर? कहीं 80 व्यास है, तो त्रिज्या सर आधा हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी बड़ा आर कितना होगा 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या कितनी होगी सर? छोटा तो यही है ना, छोटा छोटा का व्यास है कितना सर? 60 है, तो छोटा का त्रिज्या कितना निकलेगा सर? 60/2 अगर निकालेंगे तो 30 निकल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से सर? 30 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जरा बताइए हमको, है भाई। अब यहाँ से सर देखिए क्या 106 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1060, और 1060 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 दूनी कितना जगह 12, यानी कि 2 × 2 2120, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा सर 22/7 है ना, 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, और माइनस 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 है ना। यहाँ क्या होगा सर 2120 प्लस कितना होगा 22/7 है ना, 1600 में से 900 माइनस करेंगे तो 700, यहाँ से 112 में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यहाँ से सर कितना आ जाएगा 2120 और प्लस कितना है सर 2200, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर? कहीं 0 का 0 है ना, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा सर, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 आएगा, 2 कितना आ जाएगा 4, यानी 4320 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका पथ का क्षेत्रफल आपका आंसर आ जाएगा, है भाई। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।